उसको तो मैं किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या? कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उस शख्स से, अजनबी है वो मेरे लिए। आंटी माँ नाराज भी हो? नहीं हूँ मैं उसकी माँ, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उससे। निधा मिस्टर अली, क्या हुआ अली भाई को? उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? बर्बाद करे खुदा तुझे अली, इस दिन के लिए पैदा किया था तुझे, खुदा तुझे बर्बाद करे। आंटी ये वक्त दुआओं का है, पर दुआओं का नहीं। है मेरे खुदा, मजबूर हूं मैं, माँ जो हूं माँ से ज्यादा मजबूर कोई नहीं हो सकता। बेशक मुझसे ज्यादा अजीज नहीं है वो मुझे, लेकिन मैं क्या करूं मेरे खुदा, वो औलाद है मेरी, क़यामत के दिन मेरे ही नाम से उठाएगा तुझे। उसकी जिंदगी बख्श दे मेरे मौला, उसकी जिंदगी बख्श दे। अगर तूने उसके दिल पर मोहर लगा दी तो बेशक उठा ले उसे, ताकि क़यामत के दिन ना मैं तेरे सामने शर्मिंदा हूं और ना ही वो। और ये तेरा फैसला समझ कर सर झुका दूंगी मेरे खुदा। मम्मी खाना खा ले। तुम उनसे मदद मांग रही थी जो खुदा को नहीं मानते। भी कोई अपनी औलाद से इतना बेनियाज कैसे हो सकता? वो ईमान का सौदा करके चला गया। हम ये घाटे का सौदा नहीं कर सकते निधा। मम्मी प्लीज, फिर वो ईमान, वहां भाई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे, तो उन्हें माफ कर दे प्लीज। मुझे तो लगता है ये सब आपकी नाराजगी की वजह से हो रहा है। भाई को आपकी दुआओं की जरूरत है। खाना नहीं खाना, मुझे ले जाओ। कर दिया है अपने मरते हुए भाई के पास जाना गुनाह है, इसलिए क्योंकि आप उनसे नफरत करती हैं। एक पल की है सारी कहानी, लम्हे बन जाते हैं निशानी, कस कस रूह ते झमका मारे, इश्क ना झपके आँख निमाणी, खतरे में तूफान, इश्क अलिफ की जान, नीमाए
निकले कैसे जान निमाए, इश्क अलिफ की जान, आंसू बीजे फसल उठाई, ख्वाबों देखी आंख जगाई। मतलब चेंज किया ना तूने? Don't chase me, Rahul. I'm not chasing you. Payal, listen. Payal, I'm talking to you. Payal, Payal, listen. Payal, why? यार इतना कुछ हो गया और हमें पता ही कुछ नहीं है। क्या हो रहा है सर ये और क्यों हो रहा? अली की कंडीशन कैसी है? कुछ क्लियर नहीं है सर। कई दफा कॉल किया पायल को, फोन उठाते ही रोने लग जाती है। शायद आंसू ही उस बच्ची का जवाब है। सर निदा जिद कर रही है वहां जाने के लिए। क्या किया जाए उसको? उसकी वालदा मना कर रही होंगी। जी सर, लगता है आंटी कभी माफ नहीं करेंगी अली को। माँ कभी नाराज हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं। अरे माँ मोहब्बत देना जानती है बेटा, उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहती, यही उसका मसला होता। सर आपके ख्याल में किसको जाना चाहिए माँ? तुम्हें क्या लगता है, वहां जाके वो बच जाएगा? मैं तो नहीं सर, मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरा तो जॉब का प्रॉब्लम है। लेकिन निदा हरगिज नहीं मानती सर। जब कोई चीज हमसे दूर होती है ना, तो हमें लगता है कि वो खोई हुई है इरफानिया। ये निदा की जिद बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन उसे होगा क्या फायदा सिवाय जाती तसल्ली के? बाकी रह गए अली मियां, तो वो तो वैसे भी किस्मत के रहमो करम पर है। उसकी माँ की हालत बहुत खराब है सर, कुछ बताती नहीं है, लेकिन डर लगता है कि कभी भी कुछ हो सकता है। बहुत परेशान है निदा के रिश्ते के लिए। अली के इस तरह जाने की खबर दूर दूर तक फैल गई है। जहां रिश्ते की बात चल रही थी उन्होंने इनकार कर दिया और कोई रिश्ता आ भी नहीं रहा सर। मुझे लगता है उनके दिल में मौत का खौफ उतर गया। वक्त कम होना इरफान मियां, तो आदमी काम जल्दी जल्दी करता है। कैसा हंसता बसता करता सर, वहां जाओ तो हर तरफ उदासी। सर अगर हो सके तो आप वहां का चक्कर लगा लीजिए। ये ले मैम, सारे पेपर्स तैयार कर दिए हमने। कहाँ कहाँ साइन करना है? मैंने पेंसिल से क्रॉस के निशान लगा दिए। और वीजा भेज दिया ना आपने? जी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, एम्बेसी वालों की मर्जी है। अच्छा, आपने एप्लीकेशन तो भेज दी है ना साथ, फिर मैं अकेले क्यों जा रही हूँ? जी वो अलहदा से लेटर बनवा लिया मैंने। और मैम सर अली की तबीयत कैसी है? बस दुआ करें कि पे अल्लाह की रहमत हो। जी सामिन सर। निदा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आप वीजा अप्लाई करने के लिए थे। जी बिल्कुल। ओ तो आंटी ने इजाजत दे दी तुम? नहीं, उन्हें नहीं पता। तो
क्या क्या कर रही हो तुम? हॉस्पिटल तक गई। और जब उन्हें पता चलेगा फिर? उन्हें लगता है कि मैं हॉस्पिटल तक गई, और जरूरी नहीं है कि घर से हर निकलने वाला शख्स घर वापस ना आए। आंटी की सोच पर पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती ना, तुम्हें क्या लगता है आंटी को दुख नहीं है लेके जाने का? होगा, जरूर होगा, लेकिन अभी अम्मी की आंखों पे गुस्से की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन मेरे नहीं। मेरा भाई वहां जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहा है, मैं यहाँ रहूं कैसे? अच्छा चलो वो देख लेंगे, तुम अभी तो घर चलो। आओ, आंटी परेशान हो रही होंगी। आओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी क्या हुआ? मुझसे ज्यादा बदकिस्मत औरत और कौन होगी? यहाँ वैसे क्यों कह रही हैं, क्या होगी? एक ऐसी औरत जिसकी दोनों औलादें उसके साथ झूठ बोले, इससे ज्यादा भी कोई बदकिस्मती हो सकती है क्या? झूठ? कैसा झूठ? निदा खामोश। ये जाकर दफ्तर में दे आओ। फोन आया था वहां से, उन्हें असल शनाख्ती कार्ड भी चाहिए तुम्हारा। तुम्हें मुझे भाई के पास जाना तो ठीक है, जाओ, जो मर्जी वो करो। तो आज से तुम आजाद हो आंटी। बस तुमसे तवक्को थी बेटा कि तुम इसे रोकोगे, अगर तुम भी इसके साथ मिल गए। आंटी मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो उसको मना कर रहा था, यकीन करें। अम्मी मैंने क्या गुनाह कर दिया है? अपने मरते हुए भाई के पास जाना गुनाह है, इसलिए क्योंकि आप उनसे नफरत करती हैं। जब बेटी झूठ बोलकर घर की दहलीज पार करने लगे तो इसका मतलब है वो अपने लिए हर गुनाह का दरवाजा खोल रही है। मेरी ममता को परखने की जुर्रत आ गई तुम्हें? हाँ बेटा, तो दीन और दुनिया दोनों से गया, आज बेटी भी मेरे सामने खड़ी हो गई। आंटी बस, मैंने अब किसी की नहीं सुननी, सब झूठ बोल रहे हैं, सब धोखा दे रहे हैं, मुझे अब यहां रहना ही नहीं, मैं जा रही हूं। अम्मी। आंटी, आंटी क्या कर रही हैं? आंटी कहां जाएंगी आप, प्लीज? हट जाओ इरफान, इस शहर में जगह जगह बर्बाद होने के कोने मौजूद हैं, कहीं भी जाकर बैठ जाऊंगी मैं। अम्मी भाई मर रहे हैं और आप ये कर रही हैं, क्यों कर रही हैं हमारे साथ ऐसा? मेरी तरफ से तुम भी मर जाओ। जो बेटी अपनी माँ को धोखा दे वो औलाद नहीं रहती। मैं जा रही हूँ इधी सेंटर, हाँ मुझ जैसी कई बदकिस्मत माएं रहती। आंटी, आंटी। अम्मी, अम्मी, अम्मी रुके, अम्मी प्लीज, अम्मी, अम्मी, अम्मी प्लीज, क्या कर रही है? तमाशा मत बनाओ निदा, और तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम तो वैसे भी जा रही हो ना मुझे छोड़कर बाहर। अम्मी खुदा के लिए ऐसा ना करें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जा रही। आंटी प्लीज, आंटी प्लीज माफ कर दें इसको, आप गुस्सा नहीं करें, आपकी तबीयत। कुछ नहीं होगा मेरी तबीयत को, अब तो अपने मरने के अलावा कोई और दुआ करूंगी भी नहीं मैं। अम्मी, अम्मी प्लीज, अम्मी प्लीज अंदर चले, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी, मैं सही होगा जैसे आप चाहेंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं, मैं भाई के पास नहीं जाऊंगी। आप प्लीज भाई के लिए दुआ करें कि वो पत्थर पे नहीं जाऊंगी। आंटी, 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 जो जो एम्बुलेंस को कॉल करो, जल्दी करो, जल्दी करो, साइकिल का भी डॉक्टर है, बुला, जल्दी करो, जल्दी। आंटी, आंटी प्लीज होश में, आंटी जल्दी जाओ, आंटी।
ब्लड प्रेशर काफी लो है इनका। मम्मी का तो ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, दवाई भी ले रही है। घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट करने का आम सी बात है। अब बस एक कोशिश कीजिएगा कि आप इनको किसी भी किस्म की टेंशन से और डिप्रेशन से दूर रखिएगा, क्योंकि समटाइम्स इंसान ओवर स्ट्रेस्ड होकर इस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है। अरे मम्मी, अरे मम्मी, प्लीज आप इस तरह से मत कीजिए, इनको सोने दीजिए, इस वक्त इन्हें आराम की जरूरत है। मैं कुछ मेडिसिन अपने घर से भेज रहा हूँ, वो आप इनको दे दीजिएगा, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी। जी जी, वो हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत तो नहीं है अभी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इनको भी हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, शी इज़ फाइन। लेकिन जब इनको होश आ जाए तो आप एक दफ़ा हॉस्पिटल लाजमी जाइएगा, किसी सीनियर स्पेशलिस्ट को दिखा दें तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। शुक्रिया आमिर भाई। अली को क्या हुआ है, कहाँ पर है वो? उनका एक्सीडेंट हो गया। ओह आई एम सॉरी, अब कैसे तबीयत है उनकी? क्रिटिकल है, बस आप दुआ कीजिए उनके लिए। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। आमीन। हाय। मैं तुमसे कहा था ना आंटी, इस सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। फोन किया अली को? नहीं, अब तो मुझे कॉल करते हुए भी डर लग। हो सकता हूँ नेता, अजीब इम्तहान है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक ऐसी सड़क पे चल रही हूँ जहाँ कोई साया नहीं, सिर्फ धूप है, कड़ी धूप। मायूसी शराब की तरह होती है ना, इंसान इसके फरेब में आता रहता है। तुम जानती हो कि इस घर में तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं है जो ये सब कुछ संभाल सके। हर तरफ धूल उड़ रही है, मिट्टी तो इकट्ठी कर सकता है बंदा, धूल कैसे करे? करनी पड़ेगी नेता, करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। भाई बच तो जाएंगे ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम उम्मीद की बातें मत करो, इंशाल्लाह। मम्मी ने जितना सदमा अली भाई का लिया उतना सदमा मेरा भी लिया। उनका खौफ जायज है, नहीं जगह माँ की ममता के लिए तो ये कायनात भी कम होती है। लेकिन भाई वहां अकेले होंगे? नहीं नहीं होंगे अकेले, तुम यहां हो मगर तुम्हारी दुआएं तुम्हारी मोहब्बत उसके साथ है। मम्मी ने खुद को अकेला महसूस कर लिया। आंटी का रिएक्शन ठीक था अपनी जगह, उन्हें लग रहा था जैसे उनकी सबसे कीमती चीज और आखिरी सहारा उनसे छिन रहा। हारता हुआ खिलाड़ी आखिर में खेलना छोड़ देता है। तुम पर बहुत भारी जिम्मेदारी है निभा, तुम्हें इस लम्हे की बारीक तार पर चलना है बगैर गिरे, हिम्मत से। थोड़ी देर में भाई का ऑपरेशन है, प्लीज प्लीज उनके लिए दुआ करें।
होप ही स्टेबल नाउ. यस, ऑल्दो उस वक्त लग रहा था वी हैड लॉस्ट हिम. मैं डर गई थी इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया. व्हाट अबाउट द लास्ट ट्रीटमेंट, डिड इट वर्क? नो बेबी, एक डॉक्टर का ओपिनियन है कि इसको कभी होश नहीं आएगा दोबारा. एंड द अदर डॉक्टर सेज के सर्जरी का रिस्क लेना चाहिए, बट यू नो द कॉम्प्लिकेशंस. प्लीज मामा, डोंट से दैट. कोई छूटी ही सही, लेकिन होप रहने दे. ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ, लेकिन पाकिस्तान इसकी फैमिली को फोन करके बता दो, वहां से किसी को आना चाहिए. मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकती. प्लीज उठ जाओ, प्लीज, नहीं तो तुम्हारे साथ सब कुछ सो जाएगा. उठ जाओ. जिंदगी में कई दफे ऐसे मोड़ आते हैं कि आदमी को लगता है उसके आगे कुछ होगा ही नहीं, लेकिन फिर there's always hope, फिर मंजर बदल जाता है. जब नजर ना रहे तो मंजर का क्या करना असलम साहब. एक ही बेटा था, वो बीएड करके चला गया. इस वक्त बहन जी अली को आपकी हमदर्दी की, आपकी रहम की जरूरत. मेरा तो ख्याल ये है कि अगर आप दोनों अली के पास चले जाएं तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा. उसको हमारी जरूरत तो यहीं खत्म हो गई थी, वहां तो वो अपनी मोहब्बत के पास है. हाँ, लेकिन इस हालत में मुझे मालूम है असलम साहब, ये मेरी ममता का इम्तिहान. दुआ तो कर रही हूं मैं उसके लिए, एक बेबस माँ इसके सिवा और कर भी क्या सकती है. अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? देखिए, आप ना लाचार हैं और ना बेबस. सारी जिंदगी आपने अकेले जंग लड़ी है इन बच्चों के लिए. आपके मुंह से ये मायूसी की बातें अच्छी नहीं लगती. शायद औलाद को इंसान पाल पोस कर बड़ा ही इसलिए करता है कि वो उसे एक दिन छोड़कर चला जाए. आप हिम्मत हार रहे हैं. मुझे अभी से ज्यादा बाप की हालत पर रहना है. इस बेटी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं रहा. एक बेटा था जो हमें खुद छोड़कर चला गया, और अब वो खुद खुदा की रजा पर पड़ा है. बस इसका फर्ज अदा हो जाए तो. अम्मी को तो दिन रात उठते बैठते सिर्फ मेरी फिक्र रहती. अरे आप निदा की बिल्कुल फिक्र ना करें. कैसे फिक्र ना करूं असलम साहब, सारी दुनिया को पता चल गया है कि अली एक हिंदू लड़की के लिए अपना घर छोड़कर चला गया. कोई शरीफ घराना मेरी दहलीज पार नहीं करेगा, आते हुए रिश्तों से इनकार हो गया. अम्मी प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है. अली भाई जिस हाल तोड़ के चला गया तुम्हारा भाई, मुझे पहले तो सिर्फ उसका दुख था, मुझे वो खुद दुख बन गया मेरे लिए. देखिए, मेरी तो यही राय है कि आप अली के पास चले जाएं. आप उसके पास जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह. आप एक ताबूत लेने के लिए भेजना चाहते हैं मुझे? मम्मी प्लीज, कैसी बातें कर रही? मैं मानता हूँ बहन कि आप मायूसी वजह हैं, लेकिन शायद इस वक्त अभी को आपकी दुआओं की जरूरत है. मम्मी देखें, सर सही कह रहे, आप और मैं जाते हैं, अली भाई को वापस लेके आ जाएंगे. उसे आना होता तो वो जाते ही क्यों? मम्मी प्लीज, जिस हाल में भाई हैं उन्हें हमारी जरूरत है.
हमें क्या पता कि वो किस हाल में वहाँ पड़े हुए हैं, किस कंडीशन में, कितना पैसा लगा है उनके इलाज में, हमें तो कुछ भी नहीं पता। हम तो यहाँ बैठे हुए, प्लीज उनके गुनाह की इतनी बड़ी सजा नहीं है जितनी आप उन्हें दे रही। खुदा भी अपने बंदे को माफ कर देता। मेरा बिल्कुल ठीक कह रही है बहन, आपको वहां जाना चाहिए। पालकी अम्मी ने कहा भी था कि नाम मत लो मेरे सामने उनका। अम्मी आप नाम। हेलो पायल। हाँ हाँ बोलो। क्या इवेंट इवेंट क्या हुआ है मुझे बताओ। ऑपरेशन इस वक्त इतनी जल्दी कैसे कैसे आएंगे? अच्छा पहले मुझे बताओ भाई बच तो जाएंगे ना? अच्छा ठीक है मुझे नहीं पता अगर हम आ पाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ। भाई की कंडीशन बहुत सीरियस है। क्या कह रही है भाई? डॉक्टर्स ऑपरेशन करने जा रहे हैं। पूछ रही थी कि अगर हम पहुंच पाएंगे। क्या ऑपरेशन इस वक्त कर रहे हैं? नहीं वो तैयारी कर रहे हैं। अच्छा मेरा मुझे जरा पायल का नंबर दो, मैं अस्पताल में फोन करता हूँ, मेरे दो चार जानने वाले भी हैं, तुम फिक्र ना करो सब ठीक हो जाएगा। नहीं आप बस दुआ कीजिए सर, असलम क्या पता किसकी दुआ लग जाए। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, बस तुम खुद को और अपनी वालदा को संभालो। अच्छा जी मैं फिर चलता हूँ। असलम साहब एक दरख्वास्त है आपसे। जी फरमाइए। बस अब निदा के लिए फौरन कोई बाहर में गई मैं। अम्मी इस वक्त भाई को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, उनके बारे में सोचें, दुआ करें भाई के लिए। देखिए बहन मैं भी तो जानता हूँ बहुत अच्छी तरह स्टूडेंट रहा है वो, मैं उसे सुपुर्दगी आती है जो आपका वस्त, मुझे यकीन है जब भी उसका काम खत्म नहीं हुआ वो जरूर उठेगा, जरूर उठेगा। और एक बात और, आपको छोड़ के नहीं गया वो, इस घर में मोहब्बत की गिनती बढ़ाने गया है, मनफी नहीं हुआ जमा करने गया। थोड़ी देर में भाई का ऑपरेशन है, प्लीज प्लीज उनके लिए दुआ करें। वग वग अंदर ए
इश्क समंदर तन तालू सब डूबे दिल दा अल्लाह, मेरे मौला, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैं बहुत कमजोर और नातवा हूँ। मेरा सीना पहले ही सदमों से छलनी है मेरे खुदाया। मुझे औलाद का सदमा ना दिखाना, तो मेरे बेटे को जिंदगी दे दे, सेहत दे दे मेरे मौला, मेरे बच्चे को मेरी उम्र भी लगा दे मेरे खुदाया, तो मेरे अली को मुझसे मिलाने से दे दे, उसको ठीक कर दिया मेरे खुदाया, मेरे अली को ठीक कर दिया। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर राहुल, तुम्हारी वजह से अली मौत की लड़ाई लड़ रही और उसकी माँ पैरालाइज होके हॉस्पिटल पहुंच गई है। दो लोग मरेंगे तुम्हारी वजह से, दो नहीं तीन, क्योंकि उसके बाद अली की बहन के पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं रह जाएगी। You know, I love you. Shut up. निकल जाओ यहाँ से. Just get lost from here. Otherwise, मैं authorities को बता दूँगी कि you are the one who tried to kill him. Come on, मैं यहाँ तुम्हारे moral support के लिए आया. To hell with you and your moral support. जाओ, मैं किसी को बताओ. I'll listen to me. Go. Okay. Go. I'm going. Going. Relax. सर्जरी सक्सेसफुल थी, लेकिन लेकिन क्या मामा, कुछ छुपा रही हैं आप? नो, छुपा कुछ नहीं रही, बट द डॉक्टर्स आर सेइंग देयर्स अ चांस कि वो शायद पैरालाइज हो जाए। पैरालाइज? मॉम, ही इज इन बेड। सर्जरी सक्सेसफुल थी, लेकिन लेकिन क्या मामा, कुछ छुपा रही हैं आप? नो, छुपा कुछ नहीं रही, बट द डॉक्टर्स आर सेइंग देयर्स अ चांस कि वो शायद पैरालाइज हो जाए। पैरालाइज? मॉम, ही इज इन बेड। His mother is paralyzed. उनका घर उजड़ गया मेरी वजह से। नहीं, I know it's sad. लेकिन ये तुम्हारी वजह से सारा नहीं हुआ बेबी। Don't take it upon yourself. ये तो सब राहुल की गलती है ना? You should be happy.
एक और हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के दरमियान झूठ है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ ना, उसको सुनने के बाद आप भी यही बोलोगे कि मैंने जो कुछ किया ठीक किया। साफ साफ बताओ ना, ऐसी उलट पुलट बातें क्यों कर रहे हो तुम? मुसलमान हो गए क्या? करने आया था यहाँ? बाय। पायल, तुम मुझे एक बात साक्षात बताओ। क्या तुम क्या मुसलमान बन गई हो?